हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीडी का लेक्चर नंबर 16 और इसमें जो पढ़ने वाले हैं टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। यानी हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि होमोजेनियस होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन जिसकी फॉर्म होती है ए जीरो डी एन, जहां पे प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस वन सॉरी एन माइनस टू डी डैश का स्क्वायर प्लस चलते हुए लास्ट टर्म हो जो हमारे पास ए एन डी डैश की पावर एन जेड इक्वल टू जीरो। इस तरह की इक्वेशन जहां पे हमारे पास डी बराबर है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स और डी डैश बराबर है हमारे पास डेल अपॉन डेल वाई। ऐसी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होती है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट मतलब ए जीरो ए वन ए टू और यहाँ ए एन तक, ये सारे ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर कांस्टेंट। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं वो पढ़ेंगे। अब फिर सपोज कि हमारे पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हम करते हैं, सबसे पहले बी फुट डी बराबर एम एंड डी डैश बराबर वन, सबसे पहले इसलिए क्या करते हैं डी बराबर एम फुट कर देते हैं और डी डैश बराबर वन फुट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो इक्वेशन हो जाती है, ये चल जाती है हमारे पास ए जीरो एम टू दी पावर एन प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन, ये वन हो जाएगा प्लस ए टू एम टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट चलते हुए ए एन जेड इक्वल टू जीरो। मतलब इस तरह की ये चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, इस तरह की ये चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटरी इक्वेशन, एक्सेलरेटरी इक्वेशन या इसको सहायक समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम एम की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां से हम इसको सॉल्व करके ये जेड को हटा के इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और यहां से हम निकालते हैं एम की वैल्यू। सपोज दैट एम की वैल्यू जो है हमारे पास एम वन एम टू डॉट डॉट एम एन आती है। अब हमारे पास दो केस हो सकते हैं एम की वैल्यू किस तरह से आ सकती है। सपोज कि एम की वैल्यू कुछ कॉमन हो और या फिर सब डिफरेंट हो, तो उस केस में किस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो फिर सपोज कि एम की वैल्यू जो है कॉमन है, यानी एम की वैल्यू आर वैल्यू तो एम की सेम है, आर वैल्यू ऑफ एम आर सेम, यानी कि हमारे पास एम वन बराबर एम टू बराबर डॉट डॉट एम आर तक ले लेते हैं हम एम, एम वन एम टू और डॉट डॉट एम आर तक वैल्यू जो है वो एम ही है और उसके अलावा जो वैल्यू थी उनको हम ले लेते हैं एम आर माइनस वन सॉरी आर प्लस वन एम आर प्लस टू और डॉट 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 एम एम, यानी ये टोटल एन वैल्यू है इसकी। यहां तक तो जो आर वैल्यू थी वो सेम थी और बाकी वैल्यू अलग है, तो उस केस में हम इसका पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से लिखते हैं। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, जब आर वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में वाई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास फाई, ये हो जाएगा वाई प्लस एम एक्स, ये जो एम वैल्यू है वो सेम है इसलिए वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स वाई सॉरी एक्स फाई वाई प्लस एम एक्स,
प्लस डॉट डॉट चलते हो क्योंकि आर वैल्यू सेम है तो ये आर टाइम ये रिपीट होगा और ये एक्स हमेशा जैसे दो बार है तो एक बार एक्स मल्टीप्लाई होगा, तीन बार है तो दो बार एक्स और एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह से यहाँ पे आर बार है तो एक्स की पावर आर माइनस वन तक चलेगा, फाइव वाई प्लस एम एक्स ये हो गया। ये जब है हमारे पास एम जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है सेम है। अब फिर अलग केस अलग जो है उनके लिए, उनके लिए जैसे ये एम आर प्लस वन के लिए हम चेक करें तो वो है फाइव वाई प्लस एम आर प्लस वन एक्स, इससे अगला फाइव वाई प्लस एम आर प्लस टू एक्स, प्लस डॉट डॉट चलते हुए फाइव वाई प्लस एम एन एक्स। तो इस तरह से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं फ्रेंड्स सिंपली। अब अगर आर की वैल्यू सभी डिफरेंट हो, सभी डिफरेंट हो तो उस केस में हमारे पास सभी डिफरेंट है तो उस केस में हम सिंपली लिख सकते हैं फाइव बराबर वाई बराबर जेड बराबर आएगा, जेड बराबर फाइव वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एम टू एक्स फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास ये तो फाइव फाइव चलेगा, यहाँ पे फाइव वन फाइव टू प्लस फाइव वन फाइव टू और ये चलेगा, जैसे यहाँ पे फाइव वन फाइव टू प्लस फाइव थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स, इसी तरह से चलता हुआ फाइव एन वाई प्लस एम एन एक्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हमारे पास जब वैल्यू सेम है, कुछ वैल्यू सेम है तो हमारे पास इस तरह से लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और अगर वाई की वैल्यू कुछ सभी डिफरेंट है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। इसको अब हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल सॉल्व करना है हमें, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस थ्री डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस टू डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर जब हमारे पास आर एच एस में जीरो हो तो उस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है, यानी आर एच एस अगर जीरो हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं वही सॉल्यूशन होता है। अगर आर एच एस नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम उसके पहले तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाल सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं बाई पुटिंग आर इक्वल टू जीरो, उसके बाद उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अब आर इक्वल टू जीरो के केस में हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सिंपली सी फॉर्म लिखना है कि डेल क्यूब जेड अपॉन सॉरी डेल इसको लिख सकते हैं डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस थ्री डेल क्यूब डेल एक्स स्क्वायर, या इसको लिख लें डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई प्लस टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और ये जेड इक्वल टू जीरो। या यहां से इसको देते हैं डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैस प्लस टू डी डी डैस का स्क्वायर और ये हो गया जेड इक्वल टू जीरो, जहां पे डी बराबर तो है डेल अपॉन डेल एक्स और डी डैस बराबर है डेल अपॉन डेल वाई। अब फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले डी डैस बराबर एक्सेलरेटेड इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन निकालने के लिए पुट डी बराबर एम एंड डी डैस बराबर वन, तो हमारे पास ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास, यहां से एम की वैल्यू निकालनी है तो एम कॉमन हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम
प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एम। इसको अगर हम देखें तो ये हो गया एम माइनस टू एम माइनस वन, अगर ये हो गया हमारे पास इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू जो आई हमारे पास, एम की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास जीरो वन टू, यानी सभी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, एम बराबर जीरो वन एंड टू, ये एम की वैल्यू है। तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे हम, जेड बराबर पहले फाइव वन वाई प्लस एम एक्स, यानी एम वन क्या है जीरो, तो ये हो जाएगा वाई वाई प्लस जीरो एक्स, तो वाई हुआ है, प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू, तो वाई प्लस एम टू एन वन एक्स, प्लस फाइव थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स, यानी एम थ्री ये रहा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास टू एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स, यही इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा क्योंकि आर इक्वल टू जीरो है। अब फ्रेंड एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास ये कॉमन वैल्यूज दो बार आ रही हो, जिसमें रिपीट कर रही हो, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हो। हमारे पास है सॉल्व करना है हमें डेल फोर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल फोर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स फोर डेल वाई फोर इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, ये डेल फोर अपॉन डेल एक्स की पावर फोर माइनस डेल फोर अपॉन डेल वाई फोर और डी सॉरी जेड इक्वल टू जीरो, यहां पे लिया हमने डेल अपॉन डेल एक्स बराबर डी एंड डेल अपॉन डेल वाई बराबर डी डैश, तो ये हो गया हमारे पास डी फोर माइनस डी डैश का फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेटेड इक्वेशन के लिए क्या करना होगा हमें, डी डैश बराबर एम पुट करना होगा और डी सॉरी डी बराबर एम पुट करना होगा, डी बराबर वन पुट करना, डी डैश बराबर वन पुट करना होगा। ये पुट किया हमने तो ये हो गया हमारे पास एम फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से एम की वैल्यू क्या आई हमारे पास फ्रेंड्स, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू आई है फ्रेंड्स। यहां पे हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, ये हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपली हम वही लिखेंगे, वाई बराबर सॉरी जेड बराबर फाइव वन y प्लस एक्स, जब ये है हमारे पास प्लस फाइव टू, जब इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो y माइनस एक्स, प्लस फाइव थ्री, जब इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो y प्लस आयोटा एक्स, प्लस फाइव फोर y माइनस आयोटा एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स। इसमें वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हुई थी, बट हमें देखना है जब रिपीट हो तो। तो उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसमें रिपीट हो रही है वैल्यू फ्रेंड्स, ये हमारे पास 25 आर माइनस 40 एस प्लस 16 टी इक्वल टू जीरो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, आर बराबर क्या होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड टी बराबर होता है डेल अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो टी है तो टी नहीं वाई स्क्वायर, तो ये है हमारे पास। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एस को लिख सकते हैं डी डॉट डी डैश, और टी को लिख सकते हैं डी डैश का स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन है, वो है हमारे पास 25 डी डैश सो डी स्क्वायर माइनस 40 डी डॉट डी डैश प्लस 16 डी स्क्वायर सो डी डैश का स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब एक्चुअली इक्वेशन निकालनी है हमारे पास हमको, तो एम बराबर 1
सो d बराबर 1 पुट d डैश बराबर 1 पुट करो और d बराबर m पुट करो, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 25 m स्क्वायर माइनस 40 m प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम फिर ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास 5m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास m बराबर आ गया 4 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, क्योंकि पावर 2 है तो ये वैल्यू दो बार रिपीट होगी, ये हमारे पास दो वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन में इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है हमें तो y बराबर 5 ये हो गया हमारे पास y प्लस 4 अपॉन 5 x प्लस x 5 y प्लस 4 अपॉन 5 x। तो फिर इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि आर एच एस में 0 है तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं। फिर से अगर आपको यहां तक डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू।